بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد हम लोग अर्राबे पढ़ रहे हैं नवाकिज़ इस्लाम में चारवा हम लोग पढ़ रहे हैं अर्राबेउ यानी चौथा मन اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه यानी जो आदमी यकीदा रखता है मन बोले तो जो اعتقد यानी यकीदा रखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से भी बेहतर तरीक़ा कोई और है ठीक है ऐसा अकीदा रखे या अन्न हुक्म गैरिही अहसन मिन हुक्मिही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से अच्छा अहसन बोले तो अच्छा फ़ैसला कोई और है जैसा कि कल्लदीना युफद्दिलून हुक्म अत्तवागीत अला हुक्मिही तागूत के हुक्म तागूत बोले तो जो भी गुनाह को उभारने वाले शैतान खुद अपना हमारा नफ्स भी गुनाह पर उभारता है तो हमारे सामने बहुत सारे चीज़ें हैं वो भी गुनाह पर उभारते हैं तागूत की तफसीर अपने आगे आती तो तागूत के फ़ैसले को अल्लाह के नबी के फ़ैसले पर सच्चा मानता है तो ऐसा आदमी क्या है फ़हुवा काफिर इजमाई तौर पर काफिर है ठीक है हमें ये सब सुने थे तफसीलात जो भी हमें सुनी एक मरतबा हम गौर करेंगे तो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा किस लिए रसूल बनाकर भेजा है और इस्लाम देकर भेजा लोगों को गुमराहियों से निकालने भेजा है नहीं लोगों को अंधेरों से निकालने भेजा है सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला वहाँ वजाहत किया क्या बोलकर कि मिनत दुलुमात इलन नूर लितुखरिजा इलैहिम मिनत दुलुमात इलन नूर हमने लोगों को हिदायत की तरफ लाया गुनाहों से यानी गुमराहियों से निकाल कर अंधेरों से निकाल कर और अल्लाह के नबी जो भी बोलते हैं फैसला करते हैं वो कहाँ से होता है फैसला वही होती है सूरह नज़्म की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा अल्लाह ताला जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कहते हैं अपनी ज़बान से वो वही होती है वही के तौर पर तो अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है और हमें कल सुने थे कि इंसान इस्लाम से खारिज कब होता है तीन तरह की बातें जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अहकाम जो भी हैं अल्लाह ताला के अब जो भी दीन अल्लाह ताला भेजा है देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दीन सच्चा दीन है उस दीन के अलावा कोई और दीन नहीं है जुमा के खुतबे में भी अल्लाह के नबी क्या पढ़ते इन खैरल हदी हदी किताबुल्लाह यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा और अल्लाह ताला की किताब इससे बेहतर रास्ता कोई और नहीं है इन खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पढ़ते हैं नहीं हमें सुनते हैं खुतबों में तो इसका मतलब भी क्या है अहकाम दीन तरीक़ा वो सिर्फ अल्लाह ताला का तरीक़ा बेहतरीन तरीक़ा है और तमाम अदियान में सबसे बेहतरीन और अल्लाह को पसंदीदा तरीक़ा भी अल्लाह ताला का बताया हुआ है अब अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीक़ा बेहतर हो सकता है ना हमारे हक़ में क्योंकि अल्लाह ही पैदा किया अल्लाह ही जानता है कि हमें क्या चाहिए हमारे ज़िंदगी में क्या बेहतरी आनी चाहिए कौन सा अमल हम करेंगे तो बेहतर होगा कौन सा हम अमल ना करें तो हमारे लिए बेहतर होगा ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला बयान कर चुका है तो अब बयान अल्लाह ताला कर दिया तो इंसान को रास्ते यानी रोशनी में लाना चाह रहा है अल्लाह ताला नहीं अब अल्लाह ताला जब रोशनी में लाना चाह रहा है तो लोगों के तरीक़ों को हम सुन रहे हैं अल्लाह के तरीक़े पर तो कितनी बड़ी गुस्ताखी होगी है नहीं अल्लाह ताला रोशनी में लाना चाह रहा है हमें किसी आदमी के फैसले को अल्लाह की बात के ऊपर तरजीह देते हैं फौकियत देते हैं तो गोया हमें अभी अंधेरे में जाके गिर रहे हैं नहीं इंसान सोचता है कि अल्लाह ताला के तरीक़े से भी बेहतर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से भी बेहतर कोई और तरीक़ा है तो आदमी ख़ुद को अपने आप को अंधेरे में डाल रहा अपने आप को गड़े में डाल रहा समझ में आ रहा तो यहाँ चौथे नाकिज़ में दो बातों की वजाहत की गई दो बातें क्लैरिटी से अकीदा हमें नहीं रखना है कि अल्लाह के नबी का फ़ैसला ही सबसे बेहतरीन फ़ैसला ये अकीदा हमें रखना है अकीदा इसके ख़िलाफ़ नहीं रखना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हदी बोले तो तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया तरीक़ा उस तरीक़े से बेहतर तरीक़ा कोई और नहीं ये हमारा अकीदा अगर इसके ख़िलाफ़ अकीदा आदमी का है तो उन्हें इस्लाम से खारिज हो जाता और दूसरी बात बताई कि फ़ैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला अल्लाह के नबी ये बोल दिए
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नतें हैं, जो भी तरीके हैं, अल्लाह के नबी के जो भी अहादीस हैं, वो सारी अहादीस हमारे लिए फैसले के मानिंद है। फैसला कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नमाज इतना पढ़ना है, इसमें हमें गुस्ताखी हमें नहीं कर सकते, ये इतनाज क्यों नहीं बोल सकते ना, सुन्नत ये अल्लाह के नबी पढ़ते थे तो इतनाज क्यों, इससे भी बढ़कर कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं, ऐसी बातें हमें पूछ नहीं सकते। तमाम ज़िंदगी के पूरे मामलों में, बिजनेस के, कारोबार के, हमारे घर के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, अड़ोस पड़ोस के, जितने भी हुकूक़ हैं, हर हर हिस्से में एक कुछ अहकाम है नहीं, पड़ोस के हुकूक़ होते हैं, पड़ोस के साथ कैसे हमें रहना है, उससे कैसे हमें बात करना है, बात करने के आदाब भी हमारे को बताए गए, चलने के आदाब भी हमारे को बताए गए, रास्ते के आदाब भी बताए गए, बड़ों के आदाब भी हमारे को बताए गए, ये सारी चीज़ें अहकाम और नवाही यानी अल्लाह ताला बयान कर चुका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोले हैं हमारी ज़िंदगी के उसूलों में, उसमें हमें फिरना नहीं है। अगर फिर रहा आदमी यानी ये नहीं हो सकता, या नई चीज़ ला के बोल रहा कि ये भी हो सकता है नहीं, ये दोनों बातें क्या है, ये नहीं हो सकता भी नहीं बोलना है और ये हो सकता है भी बोलना नहीं है, अपनी तरफ से या किसी और की तरफ से, शैतान की तरफ से या अपने अड़ोस पड़ोस या कोई बड़ा आदमी है उसकी बात लेकर, तो हमें नहीं कहना है, ये हमारा अकीदा है। अगर आदमी कह रहा तो इस्लाम से खारिज होता। तीन बातें हमें कल सुने, तीन बातें क्या है इस्लाम से इंसान को खारिज करती हैं इस टॉपिक में, क्या क्या, पहले फौकियत दे रहा ज़्यादा बड़ा समझ रहा, अल्लाह के नबी के रास्ते से भी किसी और को बड़ा समझ रहा, हालांकि तमाम मखलूक़ात में अल्लाह के नबी सबसे अजीम इंसान है नहीं, सबसे अजीम इंसान है और सबसे बेहतरीन इंसान है, रास्ते के एतबार से, बताने के एतबार से, हिकमत देने के एतबार से, और अच्छा क्या है बुरा क्या है समझाने के एतबार से, अल्लाह से डरने के एतबार से, पूरे एतबार से इबादतों में ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं। तो अल्लाह के नबी की बात को किसी और की बात लाकर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर समझना, ये क्या है इस्लाम से खारिज करता। पहली बात हमें सुने, क्या पहली बात, नबी के बात से बढ़कर किसी को समझना, ठीक है। दूसरी बात बराबर समझना, क्या समझना बराबर, यानी नबी की बात भी ओके, इनकी बात भी ओके, दोनों की बात एक ही छह बल्कि बोले तो इस्लाम से खारिज। तीसरी बात, आदमी जान रहा है मान रहा है कि सही वाकई मानों में सबसे अजीम इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसके बावजूद ये भी कर सकते यानी जायज़ समझ रहा, बिदात। अब एक चीज़ पूरी कंप्लीट हो गई, अल्लाह ताला क्या बोल रहा है सूरह माईदा आयत नंबर 3 में, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, दो दो बार बोला अल्लाह ताला, यानी दीन को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, दीन को मैं मुकम्मल कर दिया हूँ, व अतममतु बोले तो मुकम्मल कर दिया मैं, दो बार बोला अल्लाह ताला, अल्यौम अकमलतु लकुम यानी बेहतरीन दीन, कमाल वाला दीन मैंने तुम्हारे को दिया, कमाल वाला बोले तो हो गया नहीं, फिर अल्लाह बोल रहा हूँ अतममतु यानी मुकम्मल कर दिया मैंने, फिर तीसरी बात अल्लाह बोल रहा है वरदीतु, मैं तुमसे राज़ी हो गया हूँ, इस दीन से मैं तुम्हारे को देकर राज़ी हो गया हूँ। इतना सब बोलने के बाद आदमी एक नई चीज़ लाकर कह रहा है कि ये भी दीन है, बिदात लाकर, तो उसकी मिसाल क्या है, लोटे में सुराख दाने जैसा, पानी ऊपर से डालो पानी पूरा नीचे से गिर जाता है, सुराख के ज़रिए से पूरा का पूरा ज़ाया हो जाता है, पूरी इबादतें कर रहे हैं और साथ में बिदात भी है शामिल, तो पूरी इबादतें गलत, दुआ घंटों घंटों कर रहे हैं मगर लास्ट में क्या करें तुफैली लगाते हैं किसी का, तो आदमी पूरी इबादत गलत कर लेता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मामले में, अलम तर इलल लदीन यज़ुमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, सूरह निसा आयत नंबर 60 में लिखा हूँ मैं, लास्ट में लिखो आप। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन लोगों को, क्या आप नहीं देखे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल किया गया वो किताब और उससे पहले तमाम किताबों के अंदर जो भी चीज़ें हैं मानते हैं, ईमान है हमारा बोलकर मानते हैं, फिर भी क्या करते हैं कि युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत, वो चाहते हैं कि वो अल्लाह के नबी को छोड़कर दूसरे शैतानी वसवसे, लोगों की बातें या जादूगरों की बातें, अपने नफ्स की बातें वो लेकर क्या चाहते हैं, इसी से हम फैसला करें, इसी से हम फैसला करें। मोटी मिसाल है, हम कल देखें जितने भी उनकी अपनी किताबों में जो भी गीता है वो रामायण है पुराणम है, सब में भी पर्दे का हुक्म है, मालूम है तुम्हारा पर्दे का हुक्म है, वो स्लोगन के साथ बोले हैं अशर शरफुद्दीन
अल्लाह ताला उनको बार बार उनके जो भी कोशिशें हैं उनके कबूल करे, तो बेहतरीन काम यानी उन्होंने अंजाम दिए बताए बाकायदा, तो तमाम किताबों में उनकी किताबों में भी है पर्दे का, उसके बावजूद यहाँ शैतान उनको बैठाया उनके सरों पर यानी पर्दे के खिलाफ चूप के खामखा। तो यहाँ आयत का पस मंजर दिखा रहा, देखो अल्लाह ताला हमारे को आंखों से हम देख रहे हैं, तजुर्बा हमारे आंखों के सामने हो रहा। तो यही लोग ये ईमान लाने का दावा कर रहे हैं, ईमान है हमारा बोलकर बोल रहे हैं, पहले की किताबों में भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतरी है किताब कुरान मजीद उसके ऊपर भी ईमान लाने का दावा, मगर साथ में दिल में क्या है बोलो, हमारा भी फैसला हो, यानी हमारा ही फैसला हो, या हम चाहते हैं कि इनका फैसला करें उनका फैसला करें, इस तरह की बात चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वक़द उमिरु अन यकफुरु बिह, यानी वो अल्लाह ताला उनके बारे में हुक्म दे दिया कि वो काफिर हो गए। तो अल्लाह का साफ फैसला है सूरह निसा में आयत नंबर 60 में, वो युरीदु शैतान अन युगिल्लहुम ज़लालन बईदा, और शैतान भी चाहता है कि वो अमीर गड़े में यानी पूरा अंदर गड़े में गिर जाए और गुमराह हो जाए, वो अल्लाह चाहता है, शैतान चाहता है। तो अल्लाह ताला के फैसले को ना चाहकर शैतान के फैसले को चाहने वाले इस तरह दूर की गुमराही में जा गिरते हैं। और अल्लाह ताला आखिरी बात ये, अल्लाह ताला फरमाते हैं फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत वयुसल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके, ऐ नबी आपको जब तक ये लोग हकम नहीं मानते, हकम बोले तो फैसला करने वाला, आपको फैसला करने वाला जब तक ये लोग नहीं मानते, ईमान वाले नहीं, फला वरब्बिका का माना क्या बोले तो अल्लाह की कसम है, खुद अल्लाह बोल रहा कसम है तुम्हारे रब की, यानी अल्लाह ताला खुद अपने आप की कसम खा के कह रहा है, कसम है तुम्हारे रब की, यानी आपको हकम नहीं मानते तमाम कामों में, तमाम मामलात में आपको फैसला देने वाला नहीं मानते, तो इनके दिलों में ईमान नहीं है। और आगे कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी फैसला दें तो दिलों के अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई यानी आज ज़र्रा बराबर भी खिलाफ ना करें, हरजम मिम्मा कदेता बोले तो ऐसी चीज़ जो खिलाफ हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के, यानी ऐसी चीज़ ना रखो दिलों में, कजी ना रखो, टेढ़ापन यानी दिलों के अंदर खिलाफ वर्जी, दिल छोटा ना बना लो अल्लाह के नबी के फैसले पर, ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहे, और चुपचाप तस्लीम कर लो। तो तीन बातें यहाँ इस आयत में बताई गई, तमाम मामलात में, तमाम कामों में, पहली बात तमाम कामों में अल्लाह के नबी को फैसला करने वाला मानना, हकम मानना, लिख लो इंशाल्लाह, पहली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम मानना, पहली बात तमाम कामों में। दूसरी बात अल्लाह ताला से राज़ी हो जाना, दूसरी बात क्या है अल्लाह से राज़ी हो जाना। तीसरी बात हर फैसले को फरमा बरदारी के साथ कबूल करना। ये तीन बातें मेरे और आपके लिए, यानी हमारे शेख मौसूफ भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब शेख इस्लाम अलैहि रहमा भी क्या बयान करते हैं देखो, यानी अकीदा मेरे और आपका ऐसा होना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के अलावा किसी का फैसला हम कबूल नहीं करेंगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ही बेहतरीन अकमल है और अहसन है, ये हमें मानना है। अगर आदमी ऐसा नहीं मानता तो उलमा का, तमाम उलमा का इज्मा है कि वो आदमी काफिर हो जाता है। दरअसल अल्लाह से हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।